नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो गोल्ड में हमने 1.25% की गिरावट आती हुई देखी, चांदी में हमने 3.5% की गिरावट आती हुई देखी। ये हफ्ते में हमने देखा सोमवार के सेशन में रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे उम्मीद जताई जा रही थी कि न्यूक्लियर वेपन भी यूज होगा, बट सोमवार की नाइट में कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी मिली कि न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं होगा और कन्वेंशनल वॉर ही चलेगी, जिसके बाद हमने सोने और चांदी में गिरावट का रुख बनते हुए देखा। साथ में हमने देखा डॉलर इंडेक्स में हमने अच्छी खासी रिकवरी फिर से बनते हुए देखी और पूरे हफ्ते में 101 के ऊपर प्राइजेस निकलता हुआ दिखाई दिया। बॉन्ड यील्ड में भी हमने तेजी बनते हुए देखी, जिसके कारण से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट थी। माना जा रहा है कि अगले मीट में आधे से 0.25% तक की गिरावट इंटरेस्ट रेट में हाइक हो सकता है, जिसके चलते भी मार्केट में प्रेशर बनता रहा। डॉलर टर्म्स में हमने 2000 का लेवल साइकोलॉजिकली टेस्ट करने के बाद प्राइजेस को करीबन 1932 पे क्लोज होता हुआ देखा, जिसका एक असर डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। चांदी के अंदर भी हमने $24 के करीब का सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं रुपए में जो गिरावट थी वो सोने और चांदी को थोड़ा सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन कंसर्न के चलते आने वाले दिनों में रुपए में और गिरावट बढ़ सकती है, जो डोमेस्टिक गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेगी। साथ के अंदर हमने देखा कि अक्षय तृतीया के चलते फिजिकल डिमांड काफी अच्छी रहने की उम्मीद है, तो अगले हफ्ते हो सकता है प्राइजेस 51,850 का सपोर्ट लेता हुआ दिखे, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, जो 53,000 तक का लेवल दिखा दे। चांदी के अंदर भी 65,500 का सपोर्ट रहना चाहिए, जो आप साइड में 68,500 तक के लेवल देख सकते हैं। वहीं अगर हम एनर्जी पैक के अंदर बात करें तो क्रूड में 3% की गिरावट और नेचुरल गैस में 8% की गिरावट हमने बनते हुए देखी। क्रूड में भी हमने देखा कि सभी गवर्नमेंट एजेंसी, सभी कंट्री कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर स्टेबिलिटी लाए, मार्केट में सप्लाई बढ़ाए। साथ में कोरोना का जो कंसर्न चाइना में बना हुआ है, इसकी वजह से भी हमने दबाव बनते हुए देखा है क्रूड में। नेचुरल गैस के अंदर भी हमने देखा जो गवर्नमेंट एक्शंस लिया जा रहा है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव जरूर बना है। वेदर कंडीशन भी कंसर्निंग है, बट अभी भी अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर क्राइसिस कंटिन्यू बना हुआ है, जो आगे जाके नेचुरल गैस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। बट पूरे हफ्ते के अंदर जो हमने गिरावट देखी है, ये एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग भी हम बोल सकते हैं। क्रूड में हमें लगता है कि 7500 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, वहां पे वापस बाइंग इनिशिएट करके चलनी चाहिए, क्योंकि अभी भी सप्लाई डिस्टरबेंस बना है और चाइना का अगर कोरोना कंसर्न अगले हफ्ते कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं डिमांड रिवैम्प होते हुए दिखाई देगी, कि चाइना ने काफी एफर्ट्स लिए भी है। साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी कंटिन्यू मेंटेन है। नो डाउट IMF ने जो डाउनग्रेडेशन किया है, इसका एक नेगेटिव असर हमने बेस मेटल पे और क्रूड में जरूर पड़ते हुए देखा है, बट टेक्निकली 7500 तक का लेवल हम क्रूड में देख सकते हैं, वहां पे बाइंग इनिशिएट करके चलिए 8200 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट है, टेक्निकली हमें लगता है कि 475 480 का एक सपोर्ट रहेगा और हायर साइड में 550 का रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये दायरे में ही मार्केट मूव करेगा। अगले हफ्ते 490-495 के आसपास मिले तो बाइंग करके चलिए, 520 का लेवल तोड़ने पे 585 तक के लेवल हम देख पाएंगे। वहीं पूरे बेस मेटल की बात करें तो मार्केट काफी साइडवे था। नो डाउट कल के सेशन में हमने कॉपर में करीबन 0.25% की गिरावट देखी थी, जिसके चलते प्राइजेस ने पूरे हफ्ते में 0.25% की गिरावट देखी गई है। वहीं अगर हम जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम की बात करें तो मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ही रहा है। एल्यूमिनियम में नो डाउट हाई लेवल पे थोड़ा दबाव था, बट कहीं ना कहीं अभी भी सप्लाई डिस्टर्बेंस जो बना हुआ है वो पूरे बेस मेटल को सपोर्ट करेगा। चाइना पिछले 15-20 दिन से मार्केट में नदारद था, जिसकी वजह से कोई बाइंग एक्टिविटी नहीं थी। इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट भी अगर हम चाइना से देखें तो काफी खराब आते हुए दिखाई दिए। IMF ने भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ को डाउनग्रेड किया 2022 के लिए, उसका भी एक नेगेटिव असर बेस मेटल पे पड़ा है। बट कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्बेंस और एनर्जी क्राइसिस के चलते आने वाले दिनों में हमें लगता है प्राइसेस में एक अच्छा खासा बाउंस रहने की उम्मीद है, तो मे बी पॉसिबल कॉपर में हम 795 का एक सपोर्ट लेते हुए देखेंगे, बट नई तेजी के लिए 820 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। जिंक एज कम्पेयर टू बाकी मेटल काफी स्ट्रांग था, 368 का सपोर्ट रहेगा, 380 का रेजिस्टेंट रहेगा। निकल में ट्रेड से बचे, क्योंकि अभी भी OI काफी कम है। वहीं अगर लेड की बात की जाए तो लेड में हमने काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद जंप दिखा है, पर नई तेजी के लिए 190 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से EVs के ऊपर ध्यान है, लेड में आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी बन सकती है। पैकेजिंग इंडस्ट्री से एल्यूमिनियम की भी डिमांड कंटिन्यू बनी है। इन्वेंट्रीज काफी एलिवेटेड लेवल्स पे जो थी वो काफी कम हो चुकी है। बॉक्साइट के एक्सपोर्ट पे बैन करने की वजह से भी इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरनाइट में हमें लगता है कि अगर 268 के करीब मिले तो एल्यूमिनियम को लेके चलिए, 278-280 तक के लेवल हम एल्यूमिनियम में भी देख पाए। तो ओवरऑल बेस मेटल के अंदर बाय ऑन ड्रॉप रहेगा, सोने चांदी में बाय ऑन ड्रॉप रहेगा, क्रूड और नेचुरल गैस में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, तो उसको देख के आपको ट्रेड करना चाहिए। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।